स्टूडेंट, आज हम हिंदी सब्जेक्ट पढ़ेंगे और आज का हमारा टॉपिक है वर्णमाला। बच्चों, लास्ट क्लास में आपने पढ़ा होगा स्वर और व्यंजन, तो इन्हें क्या मिलते हैं बोलते हैं हम वर्णमाला। वर्णमाला में स्वर और व्यंजन क्या आते हैं, दोनों आते हैं। इनके समूह को क्या बोलते हैं, वर्णमाला बोलते हैं। अब हम एक बार फिर से स्वर देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। ये क्या है, स्वर। बच्चों, ये अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ, ये क्या है, ये है यहां तक क्या है, स्वर है। मतलब स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये क्या है, ये होते हैं स्वर। और ये दोनों क्या है, ये होते हैं अयो व है। तो स्वर की संख्या कितनी होती है, स्वर होते हैं 11 और ये बाकी जो अ अं और अह, ये क्या होते हैं, अयोग व है। तो स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है, यानी 11 होती है। अब हम देखते हैं स्वर। क ख ग घ च छ झ झ भ और म,
इसमें व्यंजनों की भी संख्या कितनी होती है? 33 होती है, यानी 33 होती है। देखो कौन कौन से होते हैं व्यंजन, क ख ग घ घ ण च छ झ झ ण ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श ष। आणि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33। और जो ये बाकी जो तीन बसते हैं ये क्या होते हैं? ये संयुक्त वर्ण होते हैं। कौन से वर्ण होते हैं? यानी जो थ्री बसते हैं वो क्या होते हैं? ये संयुक्त वर्ण होते हैं। ओके बच्चों, आज हमने सीखा है वर्णमाला। वर्णमाला स्वरों की संख्या कितनी होती है? स्वरों की संख्या होती है 11। जो औतक होते हैं वो क्या होते हैं? स्वर होते हैं। जो अंग अह होते हैं वो क्या होते हैं? अयोग वाह होते हैं। और व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। और जो श और त्र ये क्या होते हैं? ये संयुक्त वर्ण होते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।